रॉ मूवी दो बहनों की कहानी है। ये दोनों इंसानों का कच्चा मांस खाने लगती है। जस्टिन और अलेक्सिया सगी बहनें हैं। बड़ी बहन अलेक्सिया वेटरनरी कॉलेज में पढ़ रही होती है। जस्टिन पहले तो प्योर वेजिटेरियन होती है, पर अलेक्सिया की वजह से वो भी नॉन वेजिटेरियन बन जाती है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहले सीन में हम देखते हैं एक कार का एक्सीडेंट होता है। कोई लड़की गाड़ी की तरफ बढ़ती है। अगले सीन में जस्टिन को उसके माता पिता कॉलेज छोड़ते हैं। इसके फादर के लिप्स पे गहरे कट्स होते हैं। आगे हम देखते हैं ये फैमिली अब वेजिटेरियन बन चुकी है। जस्टिन को मांस खाने से एलर्जी होने लगती थी। जस्टिन को अलेक्सिया के वेटरनरी कॉलेज में एडमिशन मिला था, पर वो उसे रिसीव करने नहीं आती। इनके माता पिता भी इसी कॉलेज से पढ़े थे। रात को जस्टिन के रूम में एड्रियन नाम का लड़का आता है। यह उसका रूम पार्टनर था। यहाँ सीनियर सबकी रैगिंग करने लगते हैं। बाद में इन्हें हम पार्टी में जाते देखते हैं। पार्टी में सब लोग कपड़े निकाल के नाचने लगते हैं। यहाँ जस्टिन को अलेक्सिया दिखती है। वो नशे की हालत में डांस कर रही थी। दोनों बहनें अब एक दूसरे से आ मिलती हैं। अलेक्सिया उसे यहाँ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को कैसे ब्लड से बात दिया जाता है बताती है। वो इनके माता पिता की फ़ोटो जस्टिन को दिखाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जस्टिन के साथ सेम चीज़ होती है। सीनियर रैगिंग करने इनको कच्ची रैबिट किडनीज खाने बोलते हैं। जस्टिन मना करती है, पर अलेक्सिया कुछ नहीं होगा बोल के जस्टिन को किडनी खिलाती है। रात को जस्टिन के स्किन पे एलर्जी होने लगती है। डॉक्टर उसे कोई क्रीम लगाने देती है। दोनों सिस्टर्स में इसी चीज़ को लेकर आर्ग्यूमेंट होती है। अब अलेक्सिया उसे अपने रूम से बाहर निकालती है। बाद में जस्टिन को एड्रियन मिलता है। दोनों कॉलेज कैंटीन के बूफे से खाना लेते हैं। यहाँ जस्टिन चुपके से नॉनवेज आइटम उठाती है, पर पकड़ी जाती है। एड्रियन उसे कॉलेज के बाहर फास्ट फूड सेंटर लेके जाता है। रास्ते में जस्टिन को कार एक्सीडेंट हुआ दिखता है। शॉप में जस्टिन चुपके से नॉनवेज खाती है। देर रात जस्टिन फ्रिज में खाना देखने जाती है। यहाँ रॉ चिकन पड़ा था, पर वहाँ एड्रियन आता है। तो जस्टिन बहाना बनाती है कि वो सीरियल्स चेक कर रही थी। एड्रियन के जाने के बाद वो इस पीस को सुन के खाती है। हम देखते हैं प्योर वेज जस्टिन को अब नॉनवेज खाने की क्रेविंग होने लगती है। भूख न मिटने से सुबह वो अपने बालों को चबाने लगती है। फिर उल्टी में ये सब बाहर निकलता है। उसके साथ ये सब क्या होने लगा है ये जानने परेशान होकर वो अलेक्सिया से मिलती है। दोनों ड्रिंक्स लेती है, हंसी मजाक करती है। जस्टिन अलेक्सिया के रूम में स्टे करती है। यहाँ अलेक्सिया उसे बिकिनी वैक्स करने लगती है, पर जस्टिन को इससे परेशानी होने से वो किक करती है। अचानक सीजर से अलेक्सिया की उंगली के दो टुकड़े होते हैं और वो बेहोश होती है। जस्टिन अब पैरामेडिक्स को फ़ोन करती है। वो लोग उंगली को आइस में रखने कहते हैं, पर जस्टिन फिंगर को खा जाती है। ये अलेक्सिया देखती है। बाद में हॉस्पिटल में अलेक्सिया कहती है कि उसके डॉग ने उंगली को खाया है। अगली सुबह अलेक्सिया जस्टिन को एक खाली सड़क पर ले जाती है। यहाँ तेज़ी से आ रही कार के सामने वो अचानक कूदती है। कार का एक्सीडेंट होता है और मूवी का ये पहला सीन था। और यहाँ अलेक्सिया ऐसे एक्सीडेंट करवाती थी। आगे हम देखते हैं कि वो कार में मरे लोगों को खाने लगती है। जस्टिन उसे रोकती है, पर अलेक्सिया ये मैंने तुम्हारे लिए किया है बोलती है। अब जस्टिन यहाँ से चली जाती है। रात को जस्टिन ठीक से सो नहीं पाती। उसे फिर से इंसानी मांस की भूख लगती है। वो एक पार्टी में जाती है। यहाँ एक दूसरे पर कलर डाल के किस करवाया जाता था। जस्टिन एक लड़के को किस करती है। बाद में हम देखते हैं जस्टिन शावर लेती है और मुंह में मांस का टुकड़ा चबाने लगती है। किस करते हुए उसने लड़के के लिप्स को काटा था। वो बाद में मांस के कुछ पीसेस बेसिन में स्पीट करती है। जस्टिन रात को एड्रियन से मिलती है। उसे चाहने लगी थी। दोनों सेक्स करते हैं। जस्टिन को ऑर्गेजम होने लगता है, पर वो एड्रियन को मारना नहीं चाहती थी तो जस्टिन खुद के ही कलाई को काट लेती है। सुबह क्लास में एड्रियन को अलेक्सिया का मैसेज आता है। ये देख सिस्टर का नंबर इसके पास कैसे आया करके जस्टिन एड्रियन से लड़की है। शायद एड्रियन अलेक्सिया के साथ भी सो रहा था। आगे जस्टिन एक पार्टी में जाके काफ़ी शराब पीती है। नशे की हालत में उसे अलेक्सिया मिलती है। वो उसे यहाँ से ले जाती है। सुबह कॉलेज में सब जस्टिन को घूर के देखने लगते हैं। यहाँ एड्रियन उसे अलेक्सिया ने रात में जस्टिन के साथ क्या किया था ये MMS दिखाता है। मॉर्ग पार्टी में अलेक्सिया उसे एक डेड बॉडी के हाथ को काट के खाने की प्रैक्टिस कराती है। सब स्टूडेंट्स ये देख के शॉक्ड होते हैं। अब जस्टिन एड्रियन से झगड़ती है कि तुम कहाँ थे, ये रोका क्यों नहीं। फ्यूरियस होकर वो अलेक्सिया से मारपीट करती है। दोनों सिस्टर एक दूसरे को काटने लगती है। कॉलेज स्टूडेंट्स ये देख डरने लगते हैं। कुछ देर बाद दोनों थक जाती है। झगड़ा रोक के अलेक्सिया जस्टिन की ड्रेसिंग करने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जस्टिन नींद से जगती है। उसके पास सोए एड्रियन को नींद से उठाने की कोशिश करती है, पर वो मर चुका था। वहाँ हर जगह खून फैला था। जस्टिन के हाथों पर भी खून था। जस्टिन अब रोने लगती है।
एड्रिन तुमने मुझे रोका क्यों नहीं कहती है। हम देख पाते हैं कि एड्रिन के पैर का मांस गायब था। अचानक जस्टिन को रूम में कोई और भी है इसकी आहट सुनाई देती है। वो देखती है कि यह एलेक्सिया थी और उसके मुंह पे खून लगा था। वो समझ जाती है कि क्या हुआ था। वो उसे शॉवर में ले जाती है, दोनों नहाती है। अब एलेक्सिया को अरेस्ट किया जाता है और जस्टिन को घर भेजा जाता है। जस्टिन का फादर कहता है ये प्रॉब्लम इनके फैमिली में पहले से ही थी, इसमें इन दोनों बहनों का कोई कसूर नहीं था। इसकी बीवी यानी इनकी माँ भी ऐसी ही थी, दोनों इसी कॉलेज में मिले थे, पर वो इसे छोड़ना चाहती थी। जब उसने इनके फादर को पहला किस किया था तब उसे रियलाइज़ हुआ कि हकीकत क्या है। अब वो अपने ज़ख्म जस्टिन को दिखाता है। वो कहता है मुझे यकीन है तुम्हें इसका इलाज जल्द ही मिलेगा। हम देखते हैं कि उसके चेस्ट का काफ़ी सारा मांस गायब था, यानी ओवर द ईयर्स इनके माँ ने फादर को बार बार थोड़ा थोड़ा काट के खाया था। और फ्रेंड्स मूवी यही एंड होती है।